स्वागत है आपका जनता दरबार न्यूज में और आप देख रहे हैं खबरें एक झलक में। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने झोटवाड़ा स्थित गोदारा मैरिज गार्डन में आयोजित एक लव्य खेल अकादमी के भव्य स्वागत समारोह में लिया भाग, जहां पैरा ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल विजेता मोना अग्रवाल का सम्मान किया गया। इस विशेष कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ने मोना अग्रवाल की उपलब्धियों की सराहना करते हुए उन्हें प्रेरणा स्रोत बताया। समारोह का आयोजन खेल भावना को प्रोत्साहित करने और दिव्यांग खिलाड़ियों के योगदान को मान्यता देने के उद्देश्य से किया गया था। जयपुर सांसद मंजू शर्मा एवं जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह सहित विधायकों की मौजूदगी में आयोजित जिला स्तरीय जनसुनवाई कार्यक्रम में जिला कलेक्टर डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी ने 176 परिवादियों के परिवार सुने, जिनमें से कई प्रकरणों का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया। अन्य प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के लिए कलेक्टर ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। सांसद सीपी जोशी की पहल पर चित्तौड़गढ़ जिले के अनगढ़ बावजी में एक पेड़ माँ के नाम अभियान का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुभारंभ किया, जिसमें 1008 पौधों का 1100 जोड़ों ने रोपण किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने चित्तौड़गढ़ के लिए बजट में कई घोषणाएं की हैं, जिनकी त्वरित क्रियान्वित सुनिश्चित की जा रही है। साथ ही सीपी जोशी ने कहा कि मेवाड़ क्षेत्र के विकास में भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही है। भाजपा के देश भर में चल रहे सदस्यता महाभियान के तहत जयपुर के 3 संगठनात्मक जिलों के प्रमुख पदाधिकारियों के साथ बैठक कर प्रदेश संगठन सह प्रभारी विजया राहटकर ने फीडबैक लिया और अभियान की सफलता के लिए मंत्र दिया। बैठकों में सदस्यता अभियान के प्रदेश संयोजक और पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉ. अरुण चतुर्वेदी ने अब तक चले अभियान के बारे में जानकारी देते हुए सदस्यता अभियान के प्रभावी संचालन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। भारतीय जनता पार्टी का अभी सदस्यता अभियान चल रहा है और इस अभियान के लिए पूरे देश भर में पार्टी का कार्यकर्ता बहुत मनोयोग से जुड़ा हुआ है। राजस्थान तो ये हमेशा बीजेपी युक्त ऐसी भूमि रही है। इसके पहले भी जब सदस्यता अभियान हुए थे तब बहुत अच्छी संख्या में राजस्थान में सदस्यता हो गई थी। स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान के तहत जयपुर हेरिटेज नगर निगम द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम हवा महल आमेर जोन के वार्ड नंबर 8 गांधी कॉलोनी में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के दौरान आम जनता को गीले और सूखे कचरे के सही प्रबंधन की जानकारी दी गई, साथ ही शहर को स्वच्छ और साफ सुथरा बनाने के उद्देश्य से लोगों को शपथ भी दिलाई। इस जागरूकता कार्यक्रम में नगर निगम के अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया और कार्यक्रम के सफल आयोजन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। जिला क्रिकेट संघ प्रतापगढ़ की आम सभा की बैठक होटल सेलिब्रेशन 0 माइल चौराहा प्रतापगढ़ पर आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष हेमंत मीणा ने की, जबकि चुनाव अधिकारी नरेंद्र कुमार जैन ने चुनाव प्रक्रिया का संचालन किया। राजस्थान क्रिकेट संघ जयपुर के पर्यवेक्षक धर्मवीर शेखावत और स्पोर्ट्स काउंसिल के पर्यवेक्षक राम रतन गुर्जर भी उपस्थित रहे। जयपुर हेरिटेज नगर निगम की स्वास्थ्य शाखा ने सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए किशनपोल बाजार के सोखियों के रास्ते में कार्रवाई की। इस अभियान में 105 किलो प्लास्टिक जब्त किया गया और कुल 21,000 रुपए का चालान किया गया। यह कार्रवाई स्वास्थ्य उपायुक्त दिलीप पूनिया के नेतृत्व में की गई, जिसमें निगम दस्ते ने प्लास्टिक बेचने वाले व्यापारियों को शपथ दिलाई कि वे आगे से प्लास्टिक का उपयोग और विक्रय नहीं करेंगे। टोंक में मीडिया से बातचीत के दौरान कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा में होने वाले चुनावों में कांग्रेस को जीत मिलेगी। उन्होंने यह भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार ये चुनाव हो रहे हैं। सचिन पायलट ने भाजपा की वन नेशन वन इलेक्शन योजना पर सवाल उठाए। पायलट ने केंद्र सरकार के 100 दिन पूरे होने पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह सरकार पूरी तरह विफल रही। आरपीएससी के मुद्दे पर पायलट ने बेईमानी बंद करने की अपील की और कहा कि युवाओं को न्याय मिलना चाहिए। पहली बात तो नई सरकार को बने 100 दिन पूरे हो गए। 100 दिन में केंद्र की सरकार ऐसा कोई काम नहीं कर पाई। मुझे याद है चुनाव से पहले लगातार सभाएं होती थी, मीटिंग होती थी और कहते थे कि 100 दिन के अंदर हमारा एजेंडा होगा, अलग अलग मंत्रालय का हमने मापदंड तय किया है, लेकिन दुर्भाग्यवश इन 100 दिन में ये कुछ कर नहीं पाए। और जो बिल पार्लियामेंट में लेकर आए, एक बिल लेकर आए लैटरल एंट्री का, उसमें आरक्षण की कोई प्रावधान की स्थिति नहीं थी, उस बिल को विड्रॉ किया। वक्फ बोर्ड का बिल लेकर आए, उसको विड्रॉ किया। तो सरकार घोषणा करती है फिर यूटर्न लेना पड़ता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने कार्यकाल में ब्रिटिश उप उच्चायुक्त
स्टीव हिकलिंग से मुलाकात की। इस दौरान आगामी 9 से 11 दिसंबर तक आयोजित होने वाले राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट में ब्रिटिश निवेशकों की संभावित सहभागिता पर विशेष चर्चा की। मुख्यमंत्री शर्मा ने राजस्थान में निवेश के अनुकूल माहौल और अवसरों पर जोर देते हुए प्रदेश के आर्थिक विकास की संभावनाओं को साझा किया। उन्होंने राज्य की निवेश उन्मुख नीतियों पर भी विस्तार से जानकारी दी, जिससे विदेशी निवेश को और भी बढ़ावा मिल सके। नाबालिग डिंपल मीणा हत्याकांड के संदर्भ में शुक्रवार को संघर्ष समिति और विभिन्न जनप्रतिनिधियों ने डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के निवास पर मुलाकात की। इस बैठक में सांसद हरीश मीणा, भजनलाल जाटा, विधायक घनश्याम महर, इंदिरा मीणा, रामकेश मीणा, अनीता जाटा, मांगीलाल और पूर्व विधायक लाखन सिंह मीणा उपस्थित थे। संघ समिति और जनप्रतिनिधियों ने पुलिस जांच कर असंतोष जताते हुए इस मामले में सरकार से उच्च स्तरीय जांच की मांग की। डिंपल मीणा हत्याकांड को लेकर के, जिसका पिछले 4-5 महीने से शहीद स्मारक पर धरना दिया जा रहा है, उस मुद्दे को लेकर के डॉक्टर साहब से मिले, समाज के हमारे मुखिया के नाते इसमें नॉन पॉलिटिकली, चाहे वो कांग्रेस बीजेपी का कोई भी विधायक हो, हम सब लोग समाज के नाते डॉक्टर साहब के पास आए हैं। सांसद भी हैं, एसटी एससी के सब लोग हैं। इस मुद्दे को लेकर के समाज में बहुत भ्रम की स्थिति हो रही है। पुलिस ने जो जांच की है, उस जांच से समाज संतुष्ट नहीं है। हम जनप्रतिनिधि भी उस जांच को लेकर के थोड़ा संदेह में है। हमने डॉक्टर साहब को पूरा प्रकरण समझाया, उनके पास पूरी रिपोर्ट भी है, हमने रिपोर्ट भी देखी है, लेकिन फिर भी हमारे समाज के जो पंच पटेल हैं उनके भी ये मुद्दा जो है संदेह के घेरे में आ रहा है। तो वो सभी सांसद विधायक हैं, उन्होंने निर्णय लिया है डिंपल प्रकरण जो हिंडौन में हुआ था, जिसका काफ़ी दिनों से धंधा भी चल रहा है, चारों तरफ से आवाज भी उठ रही है, उधर दबो ना थोड़ा 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 नहीं आ रहा ना सही। जो जांच राज्य पुलिस ने की है उसको ये पूरी नहीं मानते, आधी अधूरी मानते हैं। तो सभी की मानसिकता ये किसी प्रकार का असंतोष नहीं फैले, सब इधर देखते हैं, लोगों में भ्रम की जो स्थिति बनी है वो खत्म हो, तो उसको मुख्यमंत्री जी से मिलकर उनके सामने इस प्रकरण को रखेंगे और सभी कोशिश ये करेंगे कि ये मामला सीबीआई को दे दिया जाए, ताकि भ्रम की स्थिति खत्म हो सके। खबरें एक झलक में फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे और खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए जनता दरबार न्यूज़।